गुड मॉर्निंग बेटा, हाउ आर यू? सो आई होप यू आर गेटिंग वेरी वेल। समझ आ रहा आपको अच्छे से? तो बेटा पहली चीज़, सारी बातें ध्यान से समझनी है, लिंक देखने एक दूसरे के एंड एक्टिव। बुक के साथ पेन पेपर आपके पास होना चाहिए, ठीक है बेटा? जो चीज़ें टफ लगे हैं वो आपने, या कोई चीज़ समझ नहीं आए तो वो आपने चैट में मुझसे पूछ लेनी है या मैसेज कर देना है, ओके? सो नाउ yesterday we discussed about East India Company formation and they are starting in India, ठीक है? कैसे उन्होंने starting किया? आज हम कर रहे हैं पेज नंबर 12 पे आ जाओ बेटा। How trade led to battles, यानी कि जो व्यापार था वो लड़ाइयों में कैसे बदल गया, ठीक है? पेज नंबर 12। सो बेटा बिगिनिंग में देखो, यहाँ एक पिक्चर छपी हुई है रॉबर्ट क्लाइव की। रॉबर्ट क्लाइव वॉज द पर्सन हु इस्टेब्लिश्ड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। रॉबर्ट क्लाइव ऐसा पर्सन था जिसने इंडिया में ब्रिटिश रूल का शुरुआत किया, ठीक है? तो कैसे किया? अब देखो रॉबर्ट क्लाइव कैसे रिस्पॉन्सिबल है, उसने ऐसा क्या कर दिया जो ब्रिटिश रूल इस्टेब्लिश होना शुरू हो गया था, ठीक है? सो हाउ ट्रेड लेड टू बैटल्स, यानी व्यापार लड़ाइयों तक कैसे जाना शुरू हो गया। सो थ्रू द अर्ली 18th सेंचुरी द कन्फ्लिक्ट बिटवीन द कंपनी एंड नवाब ऑफ बंगाल इंटेंसीफाइड। अब मैंने आपको कल बताया था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल एम्परर से कुछ कंसेशन ले रखे थे, विद ड्यूटी फ्री, उनको टैक्स नहीं देना। अब उसके चक्कर में जो कंपनी के ऑफिशियल प्राइवेट ट्रेडिंग करते थे वो उसका भी टैक्स नहीं देते थे, ठीक है? इससे बंगाल का जो रेवेन्यू था उनका टैक्स कलेक्शन कम हो गया, तो ऑब्वियसली फिर बंगाल का नवाब तो उसका प्रोटेस्ट करेगा, ठीक है? तो इसी वजह से क्या हुआ कि ब्रिटिश का और बंगाल के नवाब का जो आपस में कन्फ्लिक्शन है वो बहुत इंटेंसीफाई, यानी कि बढ़ गया। आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब द बंगाल नवाब असर्टेड देयर पावर एंड ऑटोनॉमी। और औरंगजेब के मरने के बाद जो बंगाल के नवाब थे उन्होंने अपने आप को ही इंडिपेंडेंट रूलर अनाउंस कर दिया, भाई अब बंगाल के नवाब बस हम ही हैं, हमसे ऊपर कोई नहीं है। सो एज अदर रीजनल पावर्स वर डूइंग एट दैट टाइम, ठीक है, कुछ अदर स्टेट्स ने भी ऐसा किया था, उन्होंने औरंगजेब के मरने के बाद अपने आप को इंडिपेंडेंट अनाउंस कर दिया था। मुर्शिद कुली खान वॉज फॉलोड बाय अली वर्दी खान एंड देन सिराजुद्दौला एज नवाब ऑफ बंगाल, ठीक है? तो यानी कि उस टाइम पे किसने, मुर्शिद कुली खान, ठीक है, मुर्शिद कुली खान इसको हम जानते हैं कि इसने बंगाल को एक ऑटोनोमस स्टेट में कन्वर्ट कर दिया, इसने मुगलों से बंगाल को इंडिपेंडेंट कर लिया, भाई मैं मुगलों के अंडर नहीं हूँ, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट जो नवाब आया उसका नाम था अली वर्दी खान, ठीक है? अली वर्दी खान भी एक बहुत स्ट्रांग रूलर था, उसके टाइम में बंगाल में बहुत प्रोग्रेस हुआ। उसके बाद नेक्स्ट आया सिराजुद्दौला, ठीक है, सिराजुद्दौला भी बहुत पावरफुल था। सो एज द नवाब ऑफ बंगाल ईच वन ऑफ देम वॉज अ स्ट्रॉन्ग रूलर, दे रिफ्यूज टू ग्रांट द कंपनी कंसेशन। उन्होंने क्या किया, कंपनी को कंसेशन देने से मना कर दिया, भाई बहुत हो गया तुम्हारा, बड़ा ठग लिया तुमने, बहुत कंसेशन ले लिया, बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है? डिमेंडेड लास्ट ट्रिब्यूट फॉर कंपनीज राइट टू ट्रेड एंड डिनाइड इट एनी राइट टू मिंट कॉइन्स। और उन्होंने क्या किया, दे रिफ्यूज टू ग्रांट द कंपनी कंसेशन, उन्होंने कंपनी को कंसेशन देने से मना कर दिया एंड डिमांडेड लार्ज ट्रिब्यूट्स फॉर कंपनीज राइट फॉर ट्रेड। और जो उन्होंने कंपनी को ट्रेडिंग के जो राइट दे रखे थे उसके बदले में वो नजराने मांगने लगे, मतलब हमें तुम अमाउंट भेजो, पैसा भेजो, ठीक है? डिनाइड इट एनी राइट टू मिंट कॉइन्स। और अंग्रेज अपने सिक्के बनाने लग गए थे तो उन्होंने उनका जो कॉइन्स हैं उनको मिंट करने का परमिशन नहीं दिया, ठीक है, भाई तुम अपने सिक्के नहीं छापोगे, हमारे बंगाल गवर्नमेंट जो बंगाल नवाब के जो सिक्के हैं वही यूज़ करने हैं। एंड स्टॉप्ड इट फ्रॉम एक्सटेंडिंग इट्स फोर्टिफिकेशन, ठीक है, और उनको किले बनाने से रोक दिया। जैसे मैंने आपको कल बताया था वो क्या करने लग गए थे, अपने किले ही बनाने लग गए थे, तो उनको किले बनाने से रोक दिया था, ठीक है? सो एक्यूजिंग द कंपनी ऑफ डिसेट द क्लेम दैट द कंपनी वॉज डिप्राइविंग द बंगाल गवर्नमेंट
of huge amount of revenue and undermining the authority of Nawab. ठीक है, तो क्या है, they it accusing the company of deceit, they claim that भाई उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो नवाब थे उन्होंने कंपनी पर ये ब्लेम किया भाई कंपनी जो है धोखाधड़ी कर रही है. ठीक है, एंड दे क्लेम दैट द कंपनी वॉज डिप्राइविंग द बंगाल गवर्नमेंट ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ रेवेन्यू. और कंपनी जो बहुत सारा रेवेन्यू है, बहुत सारा टैक्स जो है, वो टैक्स भी सरकार को दे दे जो उसने अब तक नहीं दिया है. ठीक है, एंड अंडरमाइनिंग द अथॉरिटी ऑफ नवाब. और उन्होंने क्या ब्लेम किया है, क्लेम जो रूलर थे बंगाल के, कि कंपनी ने बहुत बड़े अमाउंट में टैक्स भी नहीं दिया और वो कंपनी जो नवाब की पावर है उसको भी अंडरमाइन कर रहे हैं, यानी कम मान रहे हैं. ठीक है, यानी उस पावर को वो मान ही नहीं रहे. इट वॉज रिफ्यूजिंग टू पे टैक्सेज. ठीक है, तो वो कैसे अंडरमाइन कर रहे थे नवाब की पावर, तो पावर को, दे वर रिफ्यूजिंग टू पे टैक्स, वो टैक्स देने से मना कर रहे थे, राइटिंग डिसरिस्पेक्टफुल लेटर्स, और जो नवाब को लेटर्स लिखते थे वो भी बड़े डिसरिस्पेक्टफुल वे में लिखते थे, एंड ट्राइंग टू ह्यूमिलिएट द नवाब एंड हिज ऑफिशियल. और नवाब और उसके जो ऑफिशियल थे उनको वो क्या करने की, ह्यूमिलिएट करने की, यानी कि एक तरह से उनकी बेइज्जती करने की कोशिश वो कर रहे थे. The company on its part declared that the unjust demand of the local official were ruining the trade of company. अब कंपनी ने क्या कहा, एक तरफ तो नवाब क्या कह रहे हैं, नवाब तो ये कह रहा था भाई जो कंपनी है वो टैक्स नहीं पे कर रही, डिसरिस्पेक्टफुल लेटर लिख रही है और नवाब और उसके ऑफिशियल्स को बेइज्जत कर रही है. बट दूसरी तरफ कंपनी क्या कहते थे कि जो डिमांड्स हैं ऑफ डिमांड्स ऑफ लोकल ऑफिशियल्स, दीज आर रनिंग द ट्रेड ऑफ कंपनी. भाई जो लोकल ऑफिशियल्स हैं उनकी जो अनजस्ट डिमांड है, नाजायज मांगे हैं, ठीक है, तो वो कंपनी के जो ट्रेडिंग है उसको बर्बाद कर रही हैं. एंड ट्रेड कुड फ्लोरिश ओनली इफ द ड्यूटीज वर रिमूव्ड. और ट्रेड तभी बढ़ेगा जब ये ड्यूटी खत्म हो जाएगी. ठीक है, अगर ड्यूटी लगेगी, टैक्स लगेगा, तो फिर तो हमारा जो ट्रेडिंग है वो सही नहीं रहेगा, बढ़ेगा नहीं. इट वॉज ऑल्सो कन्विंस दैट टू एक्सपेंड ट्रेड इट हैड टू एनलार्ज इट्स सेटलमेंट. और उन्होंने ये भी कहा भाई अगर उनको ट्रेडिंग बढ़ानी है, व्यापार बढ़ाना है, तो अपने सेटलमेंट्स भी बढ़ाने पड़ेंगे, यानी अपना फोर्टिफिकेशन करना पड़ेगा, अपने लोगों को और ज़्यादा बसाना पड़ेगा. बाय अप विलेजेस एंड रीबिल्ड इट्स फोर. और कुछ गांव खरीदने पड़ेंगे और किले भी बनाने पड़ेंगे. सो द कन्फ्लिक्ट लेड टू कन्फ्रंटेशन एंड फाइनली कल्मिनेटेड इन द फेमस बैटल ऑफ प्लासी. ठीक है, तो इससे क्या हुआ, बंगाल के नवाब और ब्रिटिशर्स के बीच में कन्फ्लिक्शन जो है वो इंटेंसिफाई होता रहा, बढ़ता रहा, और फाइनली बैटल ऑफ प्लासी तक वो पहुंचे. ठीक है, अब आती है द बैटल ऑफ प्लासी. ठीक है, कौन सा, द बैटल ऑफ प्लासी. दिस इज एन इम्पोर्टेंट इवेंट इन इंडियन हिस्ट्री. ठीक है, ये इंडियन हिस्ट्री का एक बहुत इम्पोर्टेंट माइलस्टोन है. ठीक है, क्योंकि इस वॉर के बाद ही इंडिया में ब्रिटिश रूल इस्टेब्लिश होना स्टार्ट हुआ था. ठीक है, सो व्हेन अली वर्दी खान डाइड इन 1756, सिराजुद्दौला बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल. अब अली वर्दी खान, इसकी डेथ हो गई 1756 में. इसके बाद नेक्स्ट नवाब कौन बना, सिराजुद्दौला. ही वॉज ऑल्सो ए स्ट्रॉन्ग नवाब. द कंपनी वॉज वॉरिड अबाउट हिज पावर एंड कीन ऑन ए पपेट रूलर हु वुड विलिंगली गिव ट्रेड कंसेशन एंड अदर प्रिविलेजेस. बट अब क्या था, द कंपनी वॉज वॉरिड अबाउट द पावर ऑफ सिराजुद्दौला. अब सिराजुद्दौला की पावर से कंपनी जो थी वो चिंतित थी, टेंशन में थी. उनको पता था सिराजुद्दौला तुम्हें अपनी मर्जी से नहीं करने देगा सब कुछ, वो तुम पे टैक्स भी लगाएगा और तुम मनमर्जियां जो कर रहे हो इनको भी रोकेगा. ठीक है, तो वो क्या चाहते थे, एंड कीन ऑन अ पपेट रूलर हु वुड विलिंगली गिव ट्रेड कंसेशन एंड अदर प्रिविलेजेस. और वो चाहते थे कि बंगाल का जो नवाब हो एक पपेट रूलर हो. ठीक है, पपेट क्या होता है, पपेट को हिंदी में बोलते हैं हम लोग कठपुतली. कठपुतली क्या होती है बच्चों, कई ऐसे पुराने टाइम में छोटी छोटी गुड़ियाँ सी होती थी
और एक बंदा ऐसे हाथ में धागे बांध के उनका खेल दिखाता था ऐसे, ठीक है, तो उसको बोलते थे पपेट। तो वो क्या चाहते थे कि एक पपेट किंग बंगाल पे आना चाहिए, यानी कि बस वही हमारे कहने पे काम करे, जैसा हम चाहें वैसे काम वो करे, ठीक है, यानी कि अपने पावर ना दिखाए हमें। सो नेक्स्ट, सो इट ट्राइड थ्रू विदाउट सक्सेस टू हेल्प वन ऑफ सिराजुद्दौला राइवल्स बिकेम द नवाब। अब इन्होंने इसके लिए कोशिश भी किया, कोशिश क्या किया उन्होंने, नवाब के सिराजुद्दौला के जो उस टाइम के राइवल्स थे, ठीक है, उसके जो कंपिटिटर्स थे नवाब बनने के चक्कर में जो बाकी लोग थे उनको सपोर्ट किया उन्होंने, बट कामयाब तो नहीं हो पाए क्योंकि नवाब कौन बन गया, सिराजुद्दौला बन गया। सो एन इन्फ्यूरेटेड सिराजुद्दौला आस्क्ड द कंपनी टू स्टॉप मेडलिंग इन द पोलिटिकल अफेयर्स ऑफ द ऑफ हिज डोमिनियन। अब सिराजुद्दौला ने कंपनी को स्ट्रिक्टली बोल दिया भाई वो हमारे पॉलिटिकल मामलों में टांग ना अड़ाए, अपने बिजनेस पे ध्यान दे बस, फालतू हमें सलाह ना दे आके, या हमारे यहाँ पे आके हमारे पॉलिटिकल अफेयर्स में किसी तरह की कोई इंटरफेयर नहीं करोगे, ठीक है। एंड स्टॉप फोर्टिफिकेशन, और किले बनाना रोको, किले नहीं बनाने, एंड पे द रिवेन्यू, और बाकी जो जितना भी टैक्स तुम्हारा है वो टैक्स दो और आगे का टाइम पे टैक्स देते रहो, ठीक है। सो आफ्टर नेगोशिएशन फेल्ड द नवाब मार्च्ड विद 30,000 सोल्जर्स टू इंग्लिश फैक्ट्री एट कासिम बाजार। अब उनके बीच में आपस में कुछ नेगोशिएशंस हुई, यानी कि मीटिंग्स हुई, आपस में सौदेबाजी करने की उन्होंने कोशिश की, बट वो जो उनकी सौदेबाजी थी वो फेल रही, क्योंकि जो कंपनी वाले चाहते थे वो सिराजुद्दौला नहीं चाहता था, जो सिराजुद्दौला चाहता था वो कंपनी वाले नहीं चाहते थे, ठीक है, तो दोनों में बात बनी नहीं। फाइनली सिराजुद्दौला ने क्या किया, जो इंग्लिश फैक्ट्री थी, इंग्लिश फैक्ट्री कहाँ थी, कासिम बाजार में, कासिम बाजार एक एरिया का नाम था जहाँ पे ब्रिटिशर्स का बेस था, तो उसने अपने 30,000 सोल्जर्स को लेके कासिम बाजार पे अटैक कर दिया, ठीक है। कैप्चर्ड द कंपनी ऑफिशियल, लॉक्ड द वेयर हाउस, और उसने कंपनी ऑफिशियल्स को कैप्चर कर लिया, यानी कैद कर लिया, पकड़ लिया उनको, एंड लॉक द वेयर हाउस, और जो वहाँ कासिम बाजार में उनकी फैक्ट्री थी, वहाँ जो वेयर हाउस था, गोदाम था, उसको ताला मार दिया, ठीक है। डिसआर्म्ड ऑल इंग्लिशमैन एंड ब्लॉकेड इंग्लिश शिप्स, और उसने वहाँ पे जो ब्रिटिशर्स के पास हथियार थे वो सारे हथियार उसने ले लिए, ठीक है, इंग्लिश शिप्स को उसने ब्लॉकेड कर दिया, यानी रोक दिया, कोई इंग्लिश शिप वहाँ नहीं आ सकते थे। देन ही मार्च टू कलकत्ता टू इस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर द कंपनी फोर्ट देयर। फिर वो कासिम बाजार से क्या हुआ, कलकत्ता जाने के लिए निकल पड़ा, क्योंकि कलकत्ता में भी उनका फोर्ट था, ताकि वो फोर्ट पे भी कब्जा कर सके, ठीक है। सो ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ द फॉल ऑफ कलकत्ता, कंपनी ऑफिशियल इन मद्रास सेंट फोर्सेज अंडर द कमांड ऑफ रॉबर्ट क्लाइव। अब हुआ क्या, अब जैसे आपको पता है मैंने आपको लास्ट में वीडियो में मैप बना के दिखाया था, ठीक है, अब यहाँ पे ये बांग्लादेश है, यहाँ पे वेस्ट बंगाल है, और तुम्हें पता है कलकत्ता कहाँ पे है, कलकत्ता है यहाँ पे, ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे है एक सिटी, उसका नाम आज तो है चेन्नई, बट पहले इस सिटी को क्या बोलते थे, मद्रास, ठीक है, यहाँ पे क्या था, मद्रास, और यहाँ पे कौन है, कोलकाता, ठीक है। तो बंगाल के नवाब ने क्या किया, कलकत्ता पे, पहले इसको क्या बोलते थे, कलकत्ता ब्रिटिश पीरियड में, आज क्या बोलते हैं, आज कोलकाता बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या किया, सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पे कब्जा कर लिया, तो मद्रास में जो कंपनी ऑफिशियल थे उन्होंने रॉबर्ट क्लाइव के कमांड में आर्मी जो थी वो कलकत्ता में भेजी अपना किला छुड़वाने के लिए, ओके। सो रॉबर्ट क्लाइव रीइन्फोर्स्ड बाय नवल फ्लीट्स प्रोलॉन्ग्ड नेगोशिएशन विद द नवाब फॉलोड। हालांकि उन्होंने भी कोशिश की, बातचीत की, पर बात नहीं बनी, ठीक है। इन 1757 रॉबर्ट क्लाइव लेड द कंपनी आर्मी अगेंस्ट सिराजुद्दौला इन प्लासी।
तो फाइनली क्या हुआ, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में लड़ाई हुई। कहाँ पे? यहाँ पे वेस्ट बंगाल में एक जगह है, इसका नाम है पलासी। ठीक है, वैसे तो इस जगह का जो नाम है वो पलाशी था, पलासी नहीं, ये तो इंग्लिश लोगों ने उसको पलासी बोलना शुरू कर दिया था। यहाँ पे इसको पलाशी कहते क्यों है, यहाँ पे पलाश नाम के फूल मिलते हैं जिसको क्या बनता है, जिससे गुलाल बनता है होली खेलने वाला। ठीक है, तो इसी वजह से इस जगह का नाम पलासी था। सो नाउ फोर्सेज ऑफ रॉबर्ट क्लाइव एंड सिराजुद्दौला आर्मी दे बोथ कन्फ्लिक्टेड इन टू पलासी। अब वो आपस में कहाँ आके उनके बीच में लड़ाई छिड़ गई, बैटल हो गया पलासी में। ओके बेटा, सो वन ऑफ द मेन रीजन फॉर द डिफीट ऑफ नवाब वॉज दैट द फोर्सेज लेड बाई मीर जाफर वन ऑफ सिराजुद्दौला कमांडर नेवर फॉर द बैटल। अब लड़ाई सिराजुद्दौला हार गया, उसके हारने का रीजन क्या था कि उसका एक कमांडर था और उस कमांडर का क्या नाम था, मीर जाफर। ठीक है, मीर जाफर वॉज अ ट्रेटर, ये गद्दार था, गद्दारी कर गया ये। ठीक है, इसने सिराजुद्दौला के का क्या था, कमांडर था, सेनापति था, पर इसके अंडर जो मिलिट्री थी इसने लड़ाई में हिस्सा ही नहीं लिया, लड़ाई लड़ने ही नहीं आया, और अगर आया भी तो ढंग से लड़ा नहीं। ठीक है, क्योंकि ये क्या हुआ, ये ब्रिटिशर से मिल गया और रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया, इसको ऑफर दे दिया, इसको लालच दे दिया, भई हम तेरे को बंगाल का नवाब बना देंगे अगर हम ये लड़ाई जीत जाते हैं तो। ठीक है, अब मीर जाफर जो था वो नवाब बनने के लालच में उसने गद्दारी कर दी और सिराजुद्दौला हार गया। ठीक है, सो क्लाइव हैड मैनेज टू सिक्योर हिज सपोर्ट बाय प्रोमिसिंग टू मेक हिम नवाब आफ्टर क्रशिंग सिराजुद्दौला। ठीक है, तो फाइनली क्या हुआ, मीर जाफर की वजह से सिराजुद्दौला हार गया। इवन इसका बेटा था, उसका नाम था मीरन, उसने जब सिराजुद्दौला को पता लगा लड़ाई में भाई मेरा ही कमांडर गद्दारी कर गया, उनके साथ मिला हुआ है, तो उसको लगा ऐसे तो लड़ाई नहीं जीत पाएंगे, तो वो वापस भाग लिया। तो इसका बेटा था मीर जाफर का मीरन, मीरन सिराजुद्दौला के पीछे गया, भागा और उसने सिराजुद्दौला को मार दिया। ठीक है, तो अब क्या हुआ, रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर को नवाब बना दिया था। सो द बैटल ऑफ प्लासी बिकेम फेमस बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट मेजर विक्ट्री द कंपनी वॉन इन इंडिया। अब क्या था, ये एक ऐसी विक्ट्री थी, दिस वॉज द फर्स्ट प्रोमिनेंट विक्ट्री ऑफ ब्रिटिश ऑफिशियल्स। ओके बेटा, तो यहाँ से इंडिया में ब्रिटिश रूल जो था वो इस्टेब्लिश हो गया। हालांकि हुआ तो बस यहाँ पे, अब जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था ये बांग्लादेश है आज यहाँ पे। ठीक है, पर ये पहले बांग्लादेश नहीं था, ये सारा जो था इंडिया ही था यहाँ तक। ठीक है, तो बंगाल जो था वो यहाँ से लेके, यानी कि बांग्लादेश का बहुत बड़ा पार्ट और इंडिया का, ठीक है, आधे से ज़्यादा बांग्लादेश जो था वो बंगाल में ही आता था। ठीक है, तो बंगाल और इंडिया का वेस्ट बंगाल ये सारा एक ही स्टेट था। तो अभी यहाँ पे क्या हो गया, मीर जाफर बन तो गया नवाब, पर ब्रिटिशर्स ने काफ़ी सारी पावर्स अपने हाथ में ले ली थी। ठीक है, ओके बेटा, अब आओ नेक्स्ट पेज 14। सो आफ्टर द डिफीट एट प्लासी सिराजुद्दौला वॉज असैसिनेटेड एंड मीर जाफर मेड द नवाब। ये मैंने आपको बताया था भाई, जो मीर जाफर ने क्या किया, उसका बेटा था मीरन, उसने सिराजुद्दौला को मार दिया। असैसिनेटेड क्या होता है, मारना। ठीक है, और मीर जाफर को उसने क्या कर दिया, नवाब बना दिया। द कंपनी वॉज स्टिल अनविलिंग टू टेक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अभी तक भी जो कंपनी है वो एडमिनिस्ट्रेशन अपने हाथ में नहीं लेना चाहती। ठीक है, उसने क्या किया, वो जस्ट अभी भी अपना बिजनेस करने पे फोकस है। हाँ, बट उसने क्या कर लिया, उन्होंने बंगाल पे डबल सिस्टम लगा दिया, यानी एडमिनिस्ट्रेशन तो संभालेगा मीर जाफर। ठीक है, और दीवानी राइट्स खुद ले लिए, यानी कि टैक्स कलेक्शन तो करेगी कंपनी, आर्मी कौन रखेगी कंपनी, एडमिनिस्ट्रेशन कौन करेगा, नवाब। अब जब नवाब के पास पैसा ही नहीं होएगा, टैक्स कलेक्शन तो कंपनी कर रही थी,
और रूल करेगा नवाब, तो बिना पैसों के रूल कैसे चलता? तो इसलिए मीर जाफर और ब्रिटिशर्स के बीच में भी फिर से वही पंगे हो गए। ओके, द कंपनी वॉज स्टिल अनविलिंग टू टेक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इट्स प्राइम ऑब्जेक्टिव वॉज द एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड। उसका मेन टारगेट क्या था? वो ट्रेड को ही बढ़ाना चाहते थे। इफ दिस कुड बी डन विदाउट कॉन्क्वेस्ट थ्रू द हेल्प ऑफ लोकल रूलर हू वर विलिंग टू ग्रांट प्रिविलेजेस, देन टेरिटरी नीड नॉट टू बी टेकन ओवर डायरेक्टली। अब अगर कोई लोकल रूलर बिना लड़ाई के उनको प्रिविलेजेस दे देता है, उनको अपना बिजनेस करने दे देता है बिना ड्यूटी के, बिना किसी टेंशन के, तो वो उस टेरिटरी को एक्वायर ही नहीं कर रहे थे, ठीक है, वहां पे कोई अपना रूल नहीं एस्टेब्लिश कर रहे थे। सून द कंपनी डिस्कवर्ड दैट दिस वॉज रेदर डिफिकल्ट, बट धीरे धीरे कंपनी को ऐसा लगने लग गया भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, ठीक है भाई, हम क्या करते हैं रूलर के साथ एक टाई अप कर लेते हैं, रिलेशन बिल्डअप कर लेते हैं, भाई हम अपना बिजनेस करते रहेंगे, तुम अपना रूल करते रहो, वो फिर कोई ना कोई ऐसा रूल ले आता है, हमें फिर प्रॉब्लम होती है, तो इसका बेटर वे तो यही है भाई हम अपना कब्जा ही कर लें रूल पे। सो सून द कंपनी डिस्कवर दैट दिस वॉज रेदर डिफिकल्ट, फॉर इवन द पपेट नवाब वर नॉट ऑलवेज एज हेल्पफुल एज दे वॉन्ट, ठीक है। तो जैसा कि वो चाहते, उनको लगता था, वो चाहते थे कि ऐसे हमें नवाब चाहिए जो कि जैसा हमने बोल दिया वैसे ही करें, ठीक है, और जितना हेल्प हमें चाहिए उतना मिलना चाहिए, बट उनको कई बार लगता था कि नवाब भी उतना हेल्पफुल नहीं है जितना उनके लिए होना चाहिए, जितना उनको अपनी हेल्प करनी चाहिए। आफ्टर ऑल दे हैड टू मेंटेन अ बेसिक अपीयरेंस ऑफ डिग्निटी एंड सॉवरेनिटी इफ दे वांटेड रिस्पेक्ट फ्रॉम देयर सब्जेक्ट्स, ठीक है। अब ये कि अगर उनको अगर अपना डिग्निटी मेंटेन करना था, सॉवरेनिटी मेंटेन करना था, तो कहीं ना कहीं कुछ एक इस तरह के तो इश्यूज उनको करने पड़ेंगे। सो व्हाट कुड द कंपनी डू, अब कंपनी क्या कर सकती थी? व्हेन मीर जाफर प्रोटेस्टेड द कंपनी डिपोज्ड हिम एंड इंस्टॉल्ड मीर कासिम इन हिज प्लेस। अब जैसे वॉर ऑफ प्लासी में किसको बना दिया, मीर जाफर को उन्होंने नवाब बना दिया, ठीक है, और मीर जाफर को था भी ये भी मेरे को पावर मिलनी चाहिए, मैं नवाब होना चाहिए, ठीक है। तो प्लासी की लड़ाई में इसने गद्दारी कर दी, सिराजुद्दौला मार दिया और इसको नवाब भी बना दिया, बट सून इसकी ब्रिटिश ऑफिशियल्स के साथ बिगड़नी शुरू हो गई, बिकॉज ब्रिटिशर्स कंटिन्यूसली उसके जो रूलिंग में अपना इंटरफेयर तो करते ही थे, और वो तो करेंगे क्योंकि उन्होंने तो इसको नवाब बनाया था और अपने लिए बनाया था, ठीक है, ये अपने दम पे थोड़ा ही बना था जो उनके नहीं चलाए, तो ऑब्वियसली वो तो चलाएंगे। तो जब इसने प्रोटेस्ट किया तो इसकी जगह नवाब किसको बना दिया, मीर कासिम को, ठीक है, मीर जाफर को हटा के मीर कासिम को नवाब बना दिया। सो ही इन टर्न वॉज डिफीटेड इन अ बैटल फॉट एट बक्सर इन 1764, ड्राइवन आउट ऑफ बंगाल एंड मीर जाफर वॉज री इंस्टॉल्ड, ठीक है। अब क्या हुआ, मीर कासिम ने रूल तो शुरू कर दिया, बट प्रॉब्लम इसके साथ भी थी, वही पपेट किंग वो चाहते थे, ये भी पपेट नहीं बनना चाहता था, पावर तो ये भी चाहता था, ठीक है। तो बकायदा लड़ाई ही हुई 1764 में, वॉर ऑफ बक्सर, ठीक है, बक्सर एक जगह है बिहार में, तो बक्सर के अंदर लड़ाई हुई जिसमें बंगाल का नवाब मीर कासिम, मुगल एम्परर शाह आलम और अवध का जो नवाब था वो तीनों मिलकर लड़े, ठीक है, ब्रिटिश आर्मी से, बट तीनों मिलकर भी हार गए। तो अब क्या हुआ इस लड़ाई के बाद, तो बल्कि मुगल एम्परर भी क्या था, वो भी कंपनी के अंडर ही आ गया क्योंकि लड़ाई में वो हार गया था वॉर ऑफ बक्सर में। तो इसके बाद क्या हुआ, मीर कासिम को भी उन्होंने नवाब से हटा दिया और दोबारा फिर से किसको, मीर जाफर को ही उन्होंने नवाब बना दिया। सो द नवाब हैड टू पे रुपीज 5 लाख एवरी मंथ, बट द कंपनी वॉन्टेड मोर मनी टू फाइनेंस इट फॉर। अब नवाब जो था वो कंपनी को हर महीने 5 लाख रुपए देता था, ठीक है, बट वो और ज़्यादा डिमांड कर रहे थे, किस लिए, टू फाइनेंस वॉर, यानी अपनी लड़ाइयों को फाइनेंस करने के लिए, टू मेंटेन द एक्सपेंसेस ऑफ कंपनी एंड ऑफिसेज एंड ट्रेड, वो अपने ट्रेड ऑफिसेज के खर्चों को पूरा करने के लिए भी और ज़्यादा पैसा चाहते थे। अब इतना पैसा देना भी नवाब के बस में नहीं था। सो इट वॉन्टेड मोर टेरिटरीज एंड मोर रेवेन्यू, वो और ज़्यादा टेरिटरीज एक्वायर करना चाहते थे जिससे और ज़्यादा रेवेन्यू आए। सो बाय दिस टाइम मीर जाफर डाइड इन 1765। अब मीर जाफर की डेथ हो गई 1765 में, ठीक है,
1765 में इसकी डेथ हो गई। अब तब तक कंपनी का भी मूड चेंज हो गया, उनको लगा भी कब तक ऐसे पपेट रूलर बनाते रहेंगे, ठीक है, तो जब रूल ही हमने करना है तो डायरेक्टली क्यों ना करें, हम खुद ही नवाब क्यों ना बन जाएं, ठीक है। सो द मूड ऑफ कंपनी हैड चेंज, हैविंग फेल्ड टू वर्क विद पपेट नवाब्स, क्लाइव डिक्लेयर्ड वी मस्ट इंडीड बिकम नवाब आवर सेल्व्स। उसने कहा क्योंकि पहले पपेट रूलर उन्होंने दो बैठाए, दोनों के साथ उनका जो कोऑर्डिनेशन था नहीं बना, तो रॉबर्ट क्लाइव ने अब क्या डिक्लेयर किया, भाई हमें खुद ही नवाब बन जाना चाहिए, ठीक है। फाइनली इन 1765 द मुगल एम्परर अपॉइंटेड कंपनी एज द दीवान ऑफ प्रोविंस बंगाल। तो अब क्या हुआ, आपको मैंने बताया था कि मुगल एम्परर भी वॉर ऑफ बक्सर में हारने के बाद कंपनी के अंडर आ गया, तो बट उस टाइम पे एक तरह से जो पावर थी पूरे इंडिया की वो मुगल एम्परर की थी, ठीक है। तो मुगल एम्परर ने कंपनी को क्या किया, बंगाल का दीवान नियुक्त कर दिया। दीवान अपॉइंट करने का मतलब ये है कि उस एरिया की जो दीवानी है, दीवानी का मतलब होता था लैंड रिवेन्यू कलेक्ट करने का, यानी पहले जो टैक्स लिया जाता था वो किससे लिया जाता था, किसानों से लिया जाता था, ज़मीन का, ठीक है। तो वो टैक्स कलेक्शन करने का जो अभी राइट है वो कंपनी को मिल गया, तो इससे उसकी जो इनकम है वो बहुत बड़े लेवल पे इंक्रीज हो गई, क्योंकि अब बंगाल से जो रेवेन्यू है, जो टैक्सेस है वो कंपनी लेगी। सो द दीवानी अलाउड द कंपनी टू यूज द वास्ट रिसोर्सेज ऑफ बंगाल। अब क्या हुआ, उनको बंगाल के अंदर जो एक भरमार पड़ी थी रिसोर्सेज की, उनको यूज करने का उनको राइट मिल गया। सो दिस सॉल्वड अ मेजर प्रॉब्लम दैट द कंपनी हैड अर्लियर फेस्ड। उसने उनकी एक और प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दी जो कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी उनके लिए। फ्रॉम द 18th अर्ली 18th सेंचुरी इट्स ट्रेड विद इंडिया हैड एक्सपेंडेड। अब क्या हुआ था, अर्ली 18th सेंचुरी में, यानी कि जो लगभग 1720-30 वाला जो टाइम है, इस दौर में कंपनी का जो ट्रेडिंग है वो इंडिया में एक्सपेंड हुआ था, इंक्रीज हुआ। सो बट इट हैड टू बाय मोस्ट ऑफ गुड्स इन इंडिया विद गोल्ड एंड सिल्वर, ठीक है, दैट वॉज इम्पोर्टेड फ्रॉम ब्रिटेन। बट उनको इंडिया में जो सामान खरीदना पड़ता था, चाहे वो सिल्क है, ठीक है, या स्पाइसेस है, मसाले हैं, वो सब किस में खरीदना पड़ता था, गोल्ड एंड सिल्वर में, क्योंकि उनके पास इंडिया में बेचने को कुछ नहीं था, ठीक है। अगर वो इंडिया में कोई सामान बेचते तो उनको इंडियन करेंसी मिल जाती, उस इंडियन करेंसी से वो जो सामान उनको चाहिए वो खरीद लेते और उसको वो इंग्लैंड भेज देते। बट यहाँ उनके पास बेचने को कुछ नहीं था, बस खरीदना ही खरीदना होता था, तो इसीलिए उनको इंडिया में खरीदने के लिए गोल्ड एंड सिल्वर की रिक्वायरमेंट रहती थी, जो कि ब्रिटेन से लाते थे वो। सो दिस वॉज बिकॉज एट दिस टाइम ब्रिटेन हैड नो गुड्स टू सेल इन इंडिया। द आउटफ्लो ऑफ गोल्ड फ्रॉम ब्रिटेन स्लोड आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी। बट प्लासी वॉर के बाद अब क्या हुआ, जो ब्रिटेन से गोल्ड एंड सिल्वर आ रहा था उसमें कमी आ गई। कमी क्यों आ गई, क्योंकि उनको इंडिया से ही अब पैसा मिलना शुरू हो गया था, ठीक है। तो उस पैसे से उन्होंने इंडिया में सामान खरीदना शुरू कर दिया और उसको उन्होंने ब्रिटेन भेजना शुरू कर दिया। सो एन एंटायरली स्टॉप्ड आफ्टर द अजम्पशन ऑफ दीवानी, ठीक है। और जब उनको बंगाल की दीवानी मिल गई तब तो उनको इंग्लैंड से कोई गोल्ड एंड सिल्वर मंगाने की जरूरत नहीं पड़ी। नाउ रिवेन्यू फ्रॉम इंडिया कुड फाइनेंस कंपनी एक्सपेंसेस एंड दीज रिवेन्यू कुड बी यूज टू परचेज कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल इन इंडिया, मेंटेन कंपनी ट्रूप्स एंड ऑफिसेज इन कलकत्ता, ठीक है। तो अब क्या हुआ था कि उनको ना तो वहाँ से कुछ मंगाने की ज़रूरत थी, इंडिया से ही जो उनको रेवेन्यू मिल रहा था उसी से वो अपने वॉर फाइनेंस कर सकते थे, ठीक है, यानी लड़ाइयों में पैसा लगा सकते थे, इसी से वो अपने मिलिट्री मेंटेन कर सकते थे, उसी से ही वो अपने जो कलकत्ता में ऑफिस हैं उनको मेंटेन कर सकते थे, ठीक है। सो बेटा ये क्या था, दिस वॉज द फुल स्टोरी ऑफ बैटल ऑफ प्लासी, ये प्लासी की लड़ाई की पूरी कहानी थी। एंड बैटल ऑफ प्लासी इज़ अ मेजर इवेंट इन इंडियन हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री में बहुत मेजर इवेंट है, क्योंकि प्लासी की बैटल के बाद ही क्या हुआ था कि इंडिया में ब्रिटिश रूल इस्टेब्लिश होना स्टार्ट हुआ था और इंडिया में एक सिनेरियो बिल्कुल चेंज हो गया। इंडिया अब तक एक रिच कंट्री था, बट अब क्या हो जाएगा, उसके फाइनेंस रिसोर्स ड्रेन होने शुरू हो जाएंगे। जैसे भी मैंने आपको बताया, पहले तो वो गोल्ड एंड सिल्वर इंग्लैंड से ला रहे थे, बट अब क्या हो रहा था, इंडिया से जा रहा था सामान, आ कुछ नहीं रहा था इंग्लैंड से, ठीक है। तो इसीलिए हमारे ज़्यादातर जो रिसोर्सेज हैं वो इंग्लैंड की तरफ चले गए।
ठीक है। तो बेटा ये अपना टॉपिक था, बाकी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है तो उसमें हम आगे करेंगे, जो कि हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। ओके बेटा, थैंक यू।